ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट। यस सर। 1 में चार कॉर्नर्स पे वो कह रहा है कि चार्ज पड़ा हुआ है, पांचवा चार्ज कैपिटल क्यू मैं सेंटर से पास करते हुए लेके जाऊंगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होगी? सबसे पहले जब कैपिटल क्यू दूर होगा तो एनर्जी कम होगी पांचों चार्जेस की, जब सेंटर पे होगा तो सबसे नज़दीक सेंटर पे ही होगा तो एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी सिस्टम की, और फिर कैपिटल क्यू दूर जाएगा एनर्जी गिरेगी। एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, सेंटर पे एनर्जी मैक्सिमम होगी पर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि देखो ओरिजिन पे एनर्जी डिफाइन ही नहीं की, ये हो नहीं सकता और मिनिमम हो नहीं सकती, तो आंसर क्या बनेगा, पहले कम फिर ज्यादा फिर कम। ठीक है यहाँ तक सर? ए क्यों नहीं हो सकता है वो बताना। ए वाला स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ना, क्योंकि यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं, जब एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हाइपरबोला बनता है, ऐसे बनता है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्प्रिंग दो चार्जेस, क्वेश्चन में गिवन है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्प्रिंग जो है वो आर है इनिशियली, आपने इन बॉडीज को छोड़ा क्यू और क्यू रिपेल और ये स्प्रिंग आर और खुल गया, तो पहले पोजीशन क्या थी आर, अब कितनी होगी 2R, तो ऐसे केस में आपको निकालना है अंडर रूट ऑफ के क्या होगा, रूट के, तो पहले एनर्जी थी कितनी इनिशियल यू आई, कितनी 1/4πε0Q into Q/R, फिर फाइनल एनर्जी कितनी थी 1/4πε0Q into Q/2R, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दोनों को क्या कर दिया माइनस, और ये सारी एनर्जी से क्या हुआ स्प्रिंग खिंच गया, तो ये सारी एनर्जी चेंज किस में कन्वर्ट हो गई, स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी हमने क्या की थी हाफ की एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे आर, यहाँ से के निकालना फिर अंडर रूट लेके रूट के निकालना आंसर आएगा, पर लॉजिक समझ में आ रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की एनर्जी। सर इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते एफ इज इक्वल टू के एक्स दोनों में, मतलब फिर से बोलो, इसमें एफ इज इक्वल टू के एक्स वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते कि नहीं, दोनों में नहीं कूलम्ब कर सकते, एफ इज इक्वल टू के एक्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स नहीं लगेगा, वो इक्विलिब्रियम में लगता है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं है, ये बेसिकली चार्ज दिया और एकदम खिंच गया फिर वापस भी आएगा, तो ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये फोर्स से नहीं सॉल्व होंगे, एनर्जी से सॉल्व होंगे। ठीक, नहीं उसने बोला अनस्ट्रेच्ड पोजीशन आर है जब स्प्रिंग खींचा नहीं हुआ, जब छोड़ दिया तो मैक्सिमम एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब और कितना खींच गया वो आर है, तो अब नया 2R हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, ये तो हैंड रिटन में किया हमने, क्वेश्चन नंबर 1 में, हाँ बोलो आर जीरो, नहीं नहीं ऐसे है ना, जब ये सेंटर पे होगा तो वो पेयर ऑफ एनर्जी नहीं लेते, एक पेयर दो पेयर तीन पेयर चार पेयर पांच छह ऐसे वाला, ऐसे होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये किया हुआ है, आपको याद होगा जो बड़े बड़े चार्जेस हैं उसको कॉर्नर पे रखते हैं, ये बिल्कुल हैंड रिटन के अंदर किया हुआ है, जिसमें सिस्टम की एनर्जी निकालते हैं, जैसे ये आर है ये एक्स है ये आर माइनस एक्स है, फिर इसकी एनर्जी इसकी एनर्जी इसकी एनर्जी, फिर एनर्जी को क्या करना है इसमें मिनिमम, तो उसको डिफ्रेंशिएट करते थे इक्वल टू जीरो, तो ये हैंड रिटन बुकलेट के अंदर चेक करना, उस बुकलेट के अंदर एनर्जी निकाल के डिफरेंशिएट करके मैंने सॉल्व किया हुआ है तो आंसर, तो वहीं से चेक करना एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया, 4th में डाउट, कितनों का हो गया 4th, हो गया ऑनलाइन सर 4th में डाउट है, डाउट है, ठीक है डाउट है, तो इसके अंदर ये गिवन है कि दो इक्वल चार्जेस हैं माइनस ए और ए के ऊपर पड़े हुए हैं क्यू एंड क्यू, एक बड़ा चार्ज है कैपिटल क्यू जो ओरिजिन पे पड़ा हुआ ये रहा, तो ये सिचुएशन है इनिशियल, आपने क्या किया इसको डिस्प्लेस कर दिया कैपिटल क्यू को स्मॉल डिस्टेंस एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैंने इसे शिफ्ट कर दिया कहां पर, मान लो टूवर्ड्स राइट, ये मैंने इसको एक्स शिफ्ट कर दिया, तो जब मैंने इसको एक्स शिफ्ट किया तो नया डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या हो गया ए प्लस एक्स, और ये वाला कितना हो गया ए माइनस एक्स। ठीक, तो आप ये फाइनल सिचुएशन है, इसकी सिस्टम ऑफ एनर्जी निकालो, इसकी इसकी और इसकी तीन पेयर, इसकी निकालो एक दो और तीन, उसने कहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो और बताओ वो किसके प्रोपोर्शनल है अप्रोक्सीमेटली, तो मैंने इन एनर्जी को माइनस किया, माइनस करके क्यू एंड क्यू कॉमन आ गया,
यहां से मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके यहां तक आ गया। मेडिकल में आने का चांस थोड़ा कम है क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है, बट यानी कि फिर भी कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है। इसमें क्या करना है, चेंज निकाल लिया। अब मेरा आंसर डेल्टा यू एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। या तो ये ना होता फिर तो मैं बोल देता डेल्टा यू प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यहां पर नीचे आ रहा है तो उसने अप्रोक्सीमेटली कहा। तो एक काम करो ए को मल्टीप्लाई करो, तो अप्रोक्सीमेटली का मतलब ए क्यूब यानी कि बहुत बड़ा है इस टर्म से, तो दिस कैन बी निगलेक्टेड। जब निगलेक्ट करेंगे तो डेल्टा यू प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर मार्क कर रहा है, पर ये मेडिकल में नहीं आएगा, ये नॉन मेडिकल वाली ये ऐसी चीजें आती हैं नॉन मेडिकल में, ना ही एनसीईआरटी में आएगा। आइडिया समझ में आ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली आंसर मार्क करना है तो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, 6 में डाउट, यस सर। यस सर। इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज एंड ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर का काम है कि टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 हो जाता है ना, दो चार्जेस Q1 Q2 कॉन्टैक्ट में ले आए तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 हो जाता है। चार्ज उड़ता तो है नहीं हवा में, रहेगा तो स्फीयर्स में ही, और अगर स्फीयर्स में रहेगा तो टोटल चार्ज विल रिमेन सेम। ये एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है, चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। एनर्जी कंजर्व नहीं रहती क्योंकि एनर्जी स्पार्किंग में लॉस भी होती है, वो जो स्पार्किंग होती है चार्ज कंजर्वेशन फॉलो करता है। ये वैसे अगला टॉपिक है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, यस सेवन सर। सेवेंथ में एक स्फेरिकल ड्रॉप है जिसका रेडियस आर गिवन है और जिसके ऊपर 40 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। एक बात बताओ, ये 40 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज का मतलब क्या है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 40 e। तो इसके ऊपर सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, सरफेस का पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 40 e डिवाइडेड बाय आर, पोटेंशियल आ गया। वो कह रहा है कि एक और इलेक्ट्रॉन एडिशनल इसके ऊपर रखना है तो वर्क डन बताओ क्या होगा। तो जब मैं इसके ऊपर पोटेंशियल निकाल चुका हूं और एक और इलेक्ट्रॉन को रखूंगा तो चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या होगी, एनर्जी। या था हमने चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ऑलरेडी है, वो 40 इलेक्ट्रॉन इस नए इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे या पोटेंशियल लगाएंगे। पोटेंशियल के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन रख रहे हो तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, पहले वी निकलेगा 40 इलेक्ट्रॉन्स का, फिर चार्ज इंटू पोटेंशियल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है ये, कि जिस एक मास है 1 kg, चार्ज गिवन है और पोटेंशियल गिवन है 1 वोल्ट। देखो तो चार्ज और पोटेंशियल का जब भी कॉम्बिनेशन आएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी होती है। कह रहा है इतनी एनर्जी से वो मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी बोलो क्या होगी, ये सारी एनर्जी क्यू इंटू वी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्मॉल वी कैन बी कैलकुलेट, ऐसे वेलोसिटी आएगी। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है यहाँ तक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी और उसमें नीट और मेंस के अंदर आ सकता है, बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। कैसे, तो अ चार्ज पार्टिकल जिसका मास एम है एंड चार्ज क्यू है रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करोगे इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जिसमें एक्सेलेरेशन क्या होगी, क्यू ई बाई एम। रेस्ट से चला तो उसकी वेलोसिटी टी टाइम पे क्या होगी, वी इज इक्वल टू 0 + at। तो कह रहे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आफ्टर टाइम, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मुझे वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर टाइम टी, इस वेलोसिटी को यहां पुट कर दें, आंसर मार्क कर दें। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक? सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जो v माइनस यू बाय टी इज इक्वल टू क्यू वी बाय हाँ एम हाँ वो एक ही तो बात है, दोनों। v माइनस यू ए टी या v इक्वल टू यू प्लस ए टी की बात है।